डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 12th क्लास की जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अभी, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको फार्मूला से रूबरू करा दें कि सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाना है आपको, और इस बेंजीन रिंग से अगर आप N2Cl को अगर ऐड कर देते हैं तब ये कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके बारे में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, इसका गुण क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आइए हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या क्या अभिक्रिया हो सकता है, तो अभिक्रिया के बारे में चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या अभिक्रिया है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। पहला है HCl, HCl को बोलते क्या है, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है। पहला जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, इसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या है, तो बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हम लोगों को, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जरा रिएक्शन दिखाते हैं, ये हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये हम लोगों को क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन यानी कि HCl के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनता क्या है हम लोगों को, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन रिंग से क्लोरीन, है ना, यही हो गया हम लोगों को क्लोरोबेंजीन। इसके साथ साथ हम लोगों को क्या बाद बाकी बाहर निकलेगा, N2 और HCl, यानी कि नाइट्रोजन का दो एटम और HCl बाहर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे ऑर्गेनिका, हेलो बेंजीन हेलो ऐसा करके कहा था ना पहला चैप्टर, तो हाँ हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन था, याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हम लोगों को देख पा रहे होंगे कि क्लोरीन है और बेंजीन रिंग के साथ, जिसको हम लोग क्लोरोबेंजीन कहते हैं, पक्का। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हम लोगों को क्लोरोबेंजीन और N2 और HCl, ठीक है। ये बातें बिल्कुल याद रखिएगा। फिर हम लोग आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या बनता है, तो बी नंबर रिएक्शन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, HBr, ठीक है। तो HBr के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो HBr के साथ रिएक्शन कराने पे हम लोगों को क्या बनता है उसके नीचे लिखा जाए, जब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन किसको कहते हैं? तो सिंपल है, बेंजीन रिंग के साथ अगर ब्रोमीन जुड़ जाए तो इसको हम लोग ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है। जरा इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो बेंजीन रिंग के साथ अगर हम लोगों को N2Cl होता है, जिसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, इसको अगर HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं, यहाँ पे हम लोगों को बनता है ब्रोमो बेंजीन। क्या बनता है? ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ये हम लोगों को ब्रोमो बेंजीन है, और इसके साथ N2 बचता है और HCl बनता है, दैट इज ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सी नंबर विक्रिया। सी नंबर में है के आई के साथ। के आई का मतलब क्या हुआ? के का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम, और आई का मतलब होता है आयोडीन, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, तो क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो उसके नीचे रिएक्शन के पहले हम लोग लिखेंगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आयोडो बेंजीन का निर्माण होता है। आयोडो बेंजीन का निर्माण होता है। चलिए इसके नीचे रिएक्शन को देख लेते हैं कि आखिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो हम लोगों को आयोडो बेंजीन कैसे बनता है। तो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला, बेंजीन रिंग से N2Cl जोड़ना है, ये हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अब पोटेशियम आयोडाइड यानी कि के आई के साथ अगर हम लोग करेंगे तो आयोडो बेंजीन का निर्माण होता है। अब आयोडो बेंजीन का मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। आयोडो बेंजीन का मतलब हुआ कि बेंजीन रिंग से आयोडीन जोड़ना, ठीक है। यहाँ बेंजीन रिंग है, इसके साथ आयोड जोड़ दिए तो ये हो गया आयोडो बेंजीन, और इसके साथ बाद बाकी हो गया बाहर N2 और KCl, ठीक है। तो यही हम लोगों को रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनता है आयोडो बेंजीन, ठीक है। देख पा रहे होंगे हम लोगों को आयोडो बेंजीन है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगला विक्रिया, अभिक्रिया नंबर डी, कि आखिर क्या होगा जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब जल के साथ, ठीक है। तो अगला रिएक्शन देखते हैं जल यानी कि H2O के साथ, कि आखिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आखिर क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो जल किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि N2Cl, ठीक है। ये रहा हम लोगों का N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा यानी कि H2O के साथ, तब हम लोगों को बनाता है, याद रखिएगा, फिनॉल। और फिनॉल का मतलब जानते ही हैं आप लोग कि बेंजीन रिंग से अगर OH जुड़ गया तब इसका नाम हो गया फिनॉल, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या बाहर होगा? तो N2 और HCl, ठीक है। तो ये बात लास्ट अभिक्रिया है बेंजीन डाइजोनियम का, कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है जल के साथ, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल बनाता है। और फिनॉल का जो फार्मूला है वो बेसिकली याद रखिएगा, बेंजीन रिंग बना लेना है, उसके साथ OH जोड़ लेना है। तो चलिए इसके नीचे पहले टॉपिक्स एरो देकर लिख लेंगे। जब 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 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो
जल के साथ अभिक्रिया करता है तो फिनॉल का निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। और ये रिएक्शन को आप नीचे लिख सकते हैं, ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये वाटर दोनों रिएक्शन कराया और बन गया प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH और N2 और HCl हम लोगों को बाहर हो रहा है, तो ये मेन प्रोडक्ट के रूप में है। चलिए तो हम लोग अभी देखें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण, गुण और तीसरा नंबर अभिक्रिया। अब चौथा नंबर है कि आखिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो चार नंबर में उपयोग है, उसके नीचे एरो दीजिएगा, लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के उपयोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के उपयोग निम्नलिखित हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, पहला औषधि के निर्माण में, औषधि के निर्माण में। दूसरा, रंजक पदार्थ के निर्माण में। पहला उपयोग इसको औषधि यानी कि मेडिसिन बनाने में इसको यूज किया जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, और दूसरा रंजक के रूप में। रंजक का मतलब होता है कि कोई भी किसी पदार्थ से रिएक्ट करके उस पर कुछ अलग इफेक्ट दिखलाता है, उसको हम लोग रंजक बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग रंजक के यूज के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पढ़ रहे थे अभी, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे एमीन चैप्टर को। ये अगर बात किया जाए तो हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हम लोगों को पांचवा चैप्टर था, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को 8 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पांचवा चैप्टर को पूरा से पूरा तरीका को ख़त्म कर लिए हैं, समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 6वें नंबर चैप्टर, याद रखिए 6वें नंबर चैप्टर का नाम है जैव अणु, ठीक है। तो जैव अणु से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या होता है, हालांकि इसमें कम अब रिएक्शन मिलेगा, हम लोगों को रिएक्शन जो है एमिन तक में ही ज़्यादा रिएक्शन है। अब 6ठा 7वां 8वां ये तीनों चैप्टर में जो है ना रिएक्शन 9 की बराबर है। तो ये जो 6ठा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको हम लोग अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।